नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मणिकर्ण में जो गुरुद्वारा है उसके दृश्य दिखाने जा रहे हैं। और दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मणिकर्ण। ये देखिए, ये गुरुद्वारा है और ये आप यहाँ से भाप निकलते हुए देख रहे होंगे पानी से। ये देखिए, काफी गर्म पानी यहाँ पर है। ये नेचुरल स्रोत है पानी का। इसके बारे में भी अभी हम नीचे चल के आपको बताएंगे। ये नज़ारा देखिए आप, नीचे व्यास नदी बह रही है और कुछ ही देर में हम नीचे पहुँचेंगे। देखिए नीचे यहाँ पर लोग नहा भी रहे हैं और ये पास में देखिए व्यास नदी बह रही है। काफी ठंडा पानी है व्यास नदी का। और ये जो कुंड है इसके बारे में हम अभी नीचे जाकर पता करेंगे। ये देखिए, ये है व्यास नदी और ये सामने है गुरुद्वारा। और गुरुद्वारा के राइट साइड में आप देखिए, ये देखिए कितने उफान मारती हुई व्यास नदी है, कितना तेज वेग है इसका। काफी तेज वेग से बह रही है और इसके पास देखिए प्राकृतिक रूप से एक रहस्यमयी ये स्रोते हैं। ये काफी गर्म पानी है, यहाँ से प्राकृतिक रूप से एक तरफ गर्म पानी आता हुआ और एक तरफ ठंडा पानी, वो भी वेग से। और पहाड़ियाँ देखिए, क्या लोकेशन है। आप देख रहे हैं शिव मंदिर मणिकर्ण। अभी हम जा रहे हैं शिव मंदिर मणिकर्ण। ये प्राकृतिक, ये काफी रूप से पुराना शिव मंदिर है। देखिए प्रतिमा देखिए आप भगवान शिव की। ये देखिए भोलेनाथ की प्रतिमा देखिए। और अभी हम आपको दिखाएंगे गर्म जल की धाराएं। ये देखिए ये गर्म पानी, ये देखिए इसमें चावल की पोटली डुबोई जा रही है और ये कुछ ही क्षणों में पक गई है। पूरे तरह से चावल उबल के बाहर आएगा। देखिए ये प्राकृतिक रूप से गर्म पानी है ये स्रोत। देखिए आप देखिए भगवान शिव की प्रतिमा। तो ये देखिए आप उबलता हुआ पानी। ये जो आप देख रहे हैं ये चावल उबालने के लिए रखे गए हैं यहाँ पे। और ये पानी इतना गर्म है कि कुछ ही देर में यहाँ पर चावल जो है पक जाएंगे। इसका प्रसाद भी लगता है, लगाया जाता है। ये भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमा देखिए। यहाँ का जो ये फर्श मैं आपको दिखा दूँ जिसपे हम चल रहे हैं, ये बहुत गर्म है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं शंकर भगवान का ये मंदिर। ये देखिए, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने मणिकर्ण में गुरुद्वारे के जो दृश्य हैं उनका आनंद उठाया है। तो इसी तरह से आनंद लेते रहने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नवलगढ़ रंगमंच से। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।